के बेसिक में, मैथ के बेसिक में दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। मैथ के बेसिक में दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है आज प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से मैथ के बेसिक में आज दो चर वाला समीकरण को पढ़ना है। दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर पाँच कोमा तीन एक्स माइनस वाई बराबर दो को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या हल करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए देखिए, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर पाँच, इसको समीकरण मान लीजिए एक, तीन एक्स प्लस तीन, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर पाँच, इसको समीकरण मान लेंगे हम लोग एक, तीन एक्स माइनस वाई बराबर दो, इसको समीकरण मान लेंगे हम लोग कितना, दो। ये समीकरण एक हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा दो। समीकरण बनाते समय सबसे पहले हम लोग समीकरण एक और समीकरण कितना लिख लेंगे, दो लिख लेंगे। अब हम लोग चलेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर कितना है, फाइव। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, दो एक्स यहाँ पे प्लस तो पांच माइनस तीन वाई, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, कूड़ा है, बराबर में पांच माइनस तीन वाई, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा पांच माइनस तीन वाई बटा कितना हो जाएगा दो। इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण नंबर तीन, इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण नंबर कितना बोलते हैं, तीन। चलिए अब हम लोग लिखते हैं समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर। चलिए हम लोग क्या करते हैं समीकरण दो में, समीकरण दो कौन सा, तीन एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, दो है। हमको एक्स बराबर कितना रखना है, तो हमको एक्स बराबर रखना है पाँच माइनस तीन वाई बटा कितना है, दो है। चलिए अब हम लोग रखते हैं तीन गुणे पाँच माइनस तीन वाई बटा दो प्लस माइनस वाई बराबर दो। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ दो से गुणा कर दीजिए, तो तीन पाँच माइनस तीन वाई बटा दो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, दो। दोनों तरफ दो से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए क्या बताइए, तीन गुणा करिए, तीन इंटू पाँच माइनस तीन वाई बट्टा दो गुणे दो माइनस दो गुणे वाई बराबर दो गुणे कितना आ जाएगा, दो। दो से दो इसमें पाँच से पूरा करेंगे, तीन में पाँच से, पाँच दिया कितना हो जाएगा पंद्रह, फिर तीन में यहाँ पूरा करेंगे तीन में तीन से तीतरी के नौ, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस दो वाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा तीतरी के चार। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा पंद्रह माइनस यहाँ पे नौ को और दो को, माइनस कितना हो जाएगा ग्यारह वाई बराबर चार, इधर प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस ग्यारह वाई बराबर कितना हो जाएगा चार माइनस पंद्रह। देखिए आप माइनस कितना हो जाएगा ग्यारह बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस ग्यारह वाई बराबर हो जाएगा चार में से पंद्रह घटाएंगे माइनस ग्यारह, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए वाई बराबर कितना हो गया ग्यारह बटा ग्यारह, कटाएंगे तो एक हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। अब हमारा वाई का मान कितना आ गया एक आ गया, वाई का मान कितना आ गया एक आ गया, वाई का मान कितना आया एक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मान को समीकरण तीन में रख देंगे। अब समीकरण तीन में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण तीन क्या है,
समीकरण यही है, एक्स बराबर दिया हुआ है, एक्स बराबर है 5 - 3y/2 है। चलिए 5 - 3, अब देखिए वाई का मान कितना था, वाई का मान यहाँ पर एक, एक रख दिया बट्टा दो, 5 - 3 = 3/2, 2/2 ये कैंसिल बराबर एक, एक्स के मान भी एक, वाई के मान भी एक, दोनों का मान कितना आ गया, एक एक आ गया। ये जो हम लोग का समीकरण है ये कौन सा विधि से बना हुआ, प्रतिस्थापन विधि से बना हुआ। कौन सा विधि से बना हुआ, प्रतिस्थापन विधि से, जो हम लोग का 10th क्लास में बहुत महत्वपूर्ण है और आता भी है, इसलिए आप लोग को बेसिक में बताया जा रहा है। आप लोग नोट कर लीजिए, जो समझ में नहीं आता पूछ लीजिए। चलो अच्छे से बैठो, अब आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। आइए x + y = 14 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग को हल करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x + y = 14, इसको हम लोग मान लीजिए समीकरण नंबर एक, x - y = 4, इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 2। अब चलेंगे लिखेंगे क्या, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x + y = 14 है, इसलिए x बराबर, अगर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 14 - y। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, x = 14 - y हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे समीकरण नंबर 3। अब चलिए समीकरण दो में x का मान रखने पर, चलो शांत रहो, समीकरण दो में x का मान रखने पर दो, समीकरण दो क्या है, x - y = 4, x का मान कितना दिया आप लोग का, x का मान दिया है 14 - y, x का मान कितना हो जाएगा 14 - y - y = 4। अब आप लोग को बताना नहीं, देखिए अब यह एक चर में कन्वर्ट हो गया, एक चर में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो 14 = कितना हो जाएगा -2y = 4, 14 - इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। अब आप लोग बताइए कि 14 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बराबर हो जाएगा 2y, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10/2, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, कटाने के बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान कितना हो गया 5। अब हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण तीन कहाँ है, देखिए यहाँ पे समीकरण तीन कहाँ है यहाँ पे, तो समीकरण तीन में y का मान रखने पर, यहाँ पर हो जाएगा x = 14 - y दिया है, इसलिए x = 14 - यहाँ पर कितना है, y का मान कितना आया है, y का मान 5 आया है, यहाँ पे 5 डाल दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, तो x का मान 9 और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5, x का मान 9 और y का मान कितना हो जाएगा 5। ये समीकरण जो बना हुआ है इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं।
ये 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जिसको बनाना होता है, इसलिए आप लोग बेसिक में बताया जा रहा है। ये बेसिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।